व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोल्डन अकॉम में। और आज मेरे पास है बहुत ही एक कमाल का प्यारा सा फोन कार्बन कंपनी की तरफ से, और आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा कलर के साथ ये फोन आने वाला है, तो जल्दी से इसको मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल में नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मेरे पास है कार्बन का ये वाला फ़ोन, जिसका मॉडल है K Phone 1। और जल्दी से आप लोगों को मैं फ़ोन को अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सील को ब्रेक कर लेता हूँ। तो फ़ोन मुझे ऊपर से जो यहाँ से दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा सा दिखाई दे रहा है, अंदर का सीज कैसा है देखने से मालूम पड़ेगा। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, थोड़ा टाइट सा फिटिंग है। और यहाँ पर क्या क्या है सबको यहाँ पर निकाल लिया, ये बॉक्स हो गया खाली। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह, ये रहा वारंटी कार्ड, तो इन सब को साइड में रखते हैं। और ये रहा USB टू माइक्रो USB चार्जिंग। चलिए तो इसका रेटिंग वगैरह देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है एक नॉर्मल वाला चार्जर, कोई मतलब एडाप्टर वाला चार्जर नहीं है। तो मेड इन इंडिया इसमें लिखा गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और 650 mAh वाला एक चार्जर है ये, तो मेड इन इंडिया देख के कभी दिल में सुकून आ जाता है। हालांकि इंडिया में कुछ चीज़ें तो बन रही है। और यहाँ पे है बैटरी इसका दिया गया है, K Phone 1 मॉडल है इसका। 1400 mAh का एक बैटरी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं प्लेन वाला बैटरी है। और ये भी मेड इन इंडिया होगा, मेरे ख्याल से मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। तो इसको भी कर देते हैं साइड। और यहाँ पर दे रहा गया है ईयरफोन्स। आजकल तो फ़ोन में कभी कभी ईयरफोन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कार्बन की तरफ से एक ईयरफोन भी मिल रहा है। हालांकि क्वालिटी जैसा भी हो, क्वालिटी इतना खास नहीं है, फिर भी साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है। साथ में एक ईयरफोन मिल रहा है, तो ये रहा नॉर्मल सा ईयरफोन। और ये रहा मेन फ़ोन, जल्दी से इसको देखते हैं। तो बैक साइड देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा कलर के साथ ये डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईफोन जैसा कुछ डिज़ाइन इसको करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे देखिए कैमरा का जो डिज़ाइन दिया गया है वो बिल्कुल मतलब अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे देखिए कितना शाइन हो रहा है। और फ्रंट साइड में ये हमको इसको हटा लेंगे, तो अंदर में क्या क्या है आप लोगों को बताएंगे बाद में क्या क्या है, इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। और ये रहा 2.4 इंच वाला डिस्प्ले के साथ कार्बन का K Phone 1, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरे ख्याल से बिल्कुल एक स्क्वायर साइज़ का फ़ोन है, बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है। जल्दी से इसको ढक्कन को खोल लेते हैं, यहाँ से अंदर का सीज क्या क्या है देखते हैं। तो बहुत ही टाइट है ये, बहुत ही अच्छा सा फिटिंग के साथ ये आ रहा है। मतलब मजबूती के मामले में ये ठीक ही होगा। देखने में तो हल्का लग रहा है, बहुत ही लाइट वेट का है ये। हालांकि हम टेस्ट करेंगे इसका वेट कितना है, तो इसको खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर की ज़रूरत है। और ये देखिए फ्लेक्सिबल सा है, यानी गिरने विरने से कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। जल्दी बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये, देखिए कितना फ्लेक्सिबल हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे देखिए आप लोग एक मतलब छोटा वाला सिम लगा पाएंगे, एक बड़ा वाला सिम कार्ड यहाँ पे लगने वाला है, और साथ में मेमोरी कार्ड भी यहीं पर लगने वाला है। और यहाँ पर दिया गया है स्पीकर, स्पीकर का ग्रिल यहाँ पर है, ये दो कैमरा है, साथ में LED फ्लैश है। और बाकी बताऊँ तो फ्रंट साइड में आप लोगों को तो ये दिखाई दे रहा है। और नीचे है माइक्रो USB चार्जिंग, ये 3.5 mm वाला जैक, और माइक्रोफोन का होल यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए जल्दी से इस फोन को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसका मेनू वगैरह, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ढक्कन का नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, वापस से खोलने के लिए तकलीफ़ हो जाता है। फिर भी लगा ही लेते हैं जब तक फ़ोन ऑन हो जाता है, देखने में अच्छा लगेगा। तो बहुत ही मजबूत सा फिटिंग है इस ढक्कन का। ये हो गया फिट और फोन हो गया कम्प्लीटली ऑन। यहाँ पे देखिए रेन जैसे रेनड्रॉप जैसा डिज़ाइन के साथ वॉलपेपर आ रहा है। मेनू को चेक कर लेते हैं क्या क्या है। हालांकि इस फोन में ज़्यादा देखने के लिए कुछ होता नहीं है, गेम्स वगैरह दिया गया है, निंजा ऐप, नाइट्रो रेसिंग, एयर स्ट्राइक, ये सब गेम यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो हम जल्दी से देखेंगे इसका वाइब्रेशन वगैरह है कि नहीं, और इसका साउंड टेस्ट करेंगे कैसा है साउंड। सेटिंग्स पे चलते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली हम जाएंगे प्रोफाइल में, और यहाँ पे है जनरल वाला प्रोफाइल में हम एक्टिवेट कर लेते हैं। और यहाँ पे कस्टमाइज में देखेंगे रिंग टाइप यहाँ पे हाँ दिया गया है, वाइब्रेशन ओनली, वाइब्रेशन एंड रिंग। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि इस फोन में वाइब्रेशन होगा। और चलिए जल्दी से इसका साउंड सुन लेते हैं कैसा है साउंड।
ये वाला स्पीकर ऊपर दिया गया। दो ही रिंगटोन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लोगों को कोई सा भी अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक वगैरह डाल के या गाना वगैरह दे सकते हैं। वॉल्यूम फुल दे देते हैं, फुल वॉल्यूम पे। यह है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैं कहूँगा साउंड ठीक ठाक ही है। फ़ोन का स्पीकर का जो आवाज़ है बहुत अच्छा है, यानी कि फ़ोन के हिसाब से ठीक ठाक है। अभी देखते हैं फ़ोन की कैमरा कैसा है। तो कैमरा को मैं सिंपल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं इसको क्लिक करके कैसा वाला पिक्चर आता है। इतना खास नहीं लग रहा है कैमरा, फिर भी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा उसका खिंचा हुआ पिक्चर, ठीक ठाक ही है। ये फ़ोन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर भी ठीक ठाक ही है। जीरो प्रेस करने से यहाँ पे टॉर्च ऑन हो जाएगा। तो ये रहा टॉर्च, टॉर्च भी ठीक ठाक है लेकिन इतना भी ब्राइट नहीं होगा। हालांकि जो फ्रंट साइड में बहुत सारा LED वगैरह होता है, उस फोन में ऐसे वाला फ़ोन में ज़्यादा पावर के साथ आता है टॉर्च। और यहाँ पे सिंपल जो कैमरा का फ्लैश है वही टॉर्च का काम भी करेगा। तो ये भी ठीक ठाक ही है, मैं नहीं कहूँगा। रात को अच्छा सा खासा आपको रोशनी देने के लिए काफ़ी है। और बात करते हैं इस बटन्स के, जो बटन्स वगैरह है इस फ़ोन की बहुत ही अच्छा है। जो बटन्स यहाँ पे दिया गया है आप लोग अगर नज़दीक से देखेंगे, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ तो आप लोग नज़दीक से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फिटिंग के साथ ये दिया गया है। और ग्लास जैसा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्लास जैसा फिटिंग के साथ। बहुत ही सॉफ्ट है स्विच वगैरह, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा। और बहुत ही शाइन कर रहा है ग्लास जैसा फ्रंट और बैक दोनों साइड में इस फ़ोन की। मैं कहूँगा बहुत ही शाइनदार है और बहुत ही शाइन करने वाला भी है। तो ये वाला जो चैम्पियन गोल्ड वाला जो कलर दिया गया, आईफोन जैसे जो डिज़ाइन बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने तरफ से कहूँगा तो बहुत ही, यहाँ पे अगर टेबल पे रखेंगे तो फ़ोन बहुत शाइन कर रहा है। और बैक साइड में ऐसे रखेंगे तो फ़ोन का थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड प्रीमियम जैसा लग रहा है देखने में। हालाँकि कार्बन का अगर लगो हटा देते हैं तो कोई भी बंदा पूछेगा कि ये कौन सा वाला फ़ोन है यार। बैक साइड में भी देखिए आप लोग, जैसे स्क्रीन टच फोन वगैरह होता है, टच पैड स्मार्टफोन जो होता है, उस सब में जैसे ग्लास वाला फिटिंग दे रहा है, तो यहाँ पे भी ग्लास जैसा देने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे फ़ोन का मतलब फिजिकल जो डिज़ाइन वगैरह है बहुत अच्छा लगा, स्विच स्पेशली स्विच वगैरह अच्छा लगा, बाकी तो ये फ़ोन ठीक ठाक ही है। दोस्तों अभी बात करते हैं फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इसका मॉडल है K-Phone 1 कार्बन की तरफ से, और 2.4 इंच वाला ब्राइट स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है। 1500 कॉन्टैक्ट की यहाँ पे मतलब आप कैपेसिटी है, 1400 एमएएच की बैटरी है, और वीडियो प्लेयर वीडियो रिकॉर्डर ये सब है। डुअल सिम है, हालांकि 4G इनेबल नहीं है, जियो का सिम नहीं लगने वाला। LED टॉर्च है, पावर सेविंग मोड है, और आप लोग यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 32 GB तक यहाँ पे मेमोरी कार्ड सपोर्ट करने वाला है। 500 SMS की कैपेसिटी है, स्टोरेज की, ब्लूटूथ है, डिजिटल कैमरा, 3.5 mm वाला ऑडियो जैक है, और मोबाइल टेकर है। अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और बहुत सारे लैंग्वेज के साथ ये सपोर्ट भी करता है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लायन को, मेक इन इंडिया लायन यहाँ पे है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों को बता दूँ 108 दिन की जो रिप्लेसमेंट वारंटी यहाँ पे है, और सर्विस के बारे में बताया गया है कंपनी की तरफ से, गेट सर्विस सपोर्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, कार्बन कॉन्फिडेंस ऐसे। तो और कीमत की बात करें तो कीमत आप लोगों को मैं बता दूँ, 1490 रुपया इसका कीमत यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये आप लोगों को मिलने वाला है लगभग 1200 में ये मिलने वाला है मार्केट में। तो कभी ऊपर नीचे हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा। और एक साल का तो वारंटी आप लोगों को मिलने वाला है। इस फ़ोन का वज़न कितना है, इसमें बैटरी में सब कुछ डाल दिया हूँ, अभी देखते हैं इसको कितना भारी है ये फ़ोन। वो 85 ग्राम, ओनली 85 ग्राम का ये फ़ोन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 85 ग्राम का ये फ़ोन है। तो काफ़ी हल्का फुल्का ये फ़ोन होने वाला है, आप लोगों को कैरी करने के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब इतना भारी वाला फ़ोन नहीं है, सिंपल है, देखने में भी स्टाइलिश है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा भी फ़ोन है, और बैटरी बैकअप भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिएगा लाइक, और अगर ये फ़ोन अच्छा लगा तो कर लीजिए बाय ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से। मेरे ख्याल से फ़ोन ठीक ठाक ही है बजट के हिसाब से। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिलहाल आज के लिए बाय बाय सबको, जय हिंद।